नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आईपा वो मंच जो आपको समस्या बताने के लिए मौका देता है, ये मंच आपको देता है कि जो आपकी हर रोज़ की समस्याएं हैं वो आप इस मंच से बताएंगे और आपकी सारी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचाएंगे। हम आपकी आवाज़ बुलंद करने का एक मौका देंगे और एक मौका क्यों, हर बार आप इस मंच से आकर अपनी समस्याएँ बता सकते हैं। हम आम लोगों की समस्याएँ इसी मन से उठाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद विधानसभा इलाके में और ये वार्ड नंबर 55 है। यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं इस चौपाल में जानेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ चौपाल में बैठे हुए हैं और आग सेक कर सर्दी से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर क्योंकि राजनीति बहुत गर्म है तो राजनीति पर चर्चा लाजमी है। इस वक्त मौजूद यहां लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसी सरकार चुनना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश त्यागी है। आपको कैसी सरकार चाहिए? जैसी सरकार योगी सरकार 5 साल में हुई है, हमें बिल्कुल ऐसी सरकार चाहिए। इस सरकार ने सबसे बड़ा काम लॉ एंड ऑर्डर पे किया है। ऐसी कानून व्यवस्था आज़ाद भारत में मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी भी उम्र 50 साल हो गई है और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन हुआ है, इस पे मैं सरकार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। ऐसे ही सरकार हमें चाहिए। वार्ड 55 में पार्षद आते हैं, यहाँ की सारी समस्याएं यहाँ उस पर ध्यान है उनका? वार्ड 55 में हमारे पार्षद जो स्थानीय पार्षद, ये नवयुग मार्केट का क्षेत्र है, यहाँ राजीव शर्मा हमारे पार्षद हैं और अभूतपूर्व काम उन्होंने यहाँ किया है इस वार्ड में। और राजीव शर्मा दिन रात मेहनत करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। हमें ऐसा पार्षद और ऐसी सरकार की अपेक्षा है, उम्मीद है, हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ क्या कुछ इस वार्ड में समस्याएं हैं, यहाँ की समस्याएं बताइए पहले। देखिए, मेरा मानना यह है कि यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा हैं और वर्तमान सरकार में जो यहाँ के विधायक हैं, ना तो उन्होंने गलियों में घूम के देखा क्या हाल है, ना वर्तमान जो बीजेपी विधायक हैं अतुल गर्ग की बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अतुल गर्ग जी की भी बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो। कई बार हम लोगों ने उन्हें मौखिक से भी और लिखित में भी हम लोगों ने उनका अवगत कराया, लेकिन आज तक भी आप हमारे SC दलितों की गलियों में जाकर के देखिए क्या हाल है। ये शौचालय बना दिए गए हैं लोकल स्तर पे, ना तो वो ऐसे कैसे ठप पड़े हैं, वो चालू नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि बाल्मीक समाज के सफाई कर्मचारी हैं, आज तक उनका झूठ बोल करके अतुल गर्ग जी ने कहा कि वेतन बढ़ा देंगे, लेकिन इस सरकार में ना तो उनका वेतन बढ़ा, ना उनको परमानेंट किया गया। और उनकी जो ड्यूटी लगाई जाती है सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक का, ये कौन सा लॉ, मेरे साथ ही कह रहे थे त्यागी जी के लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? मैं कह रहा हूँ कि बेटी को बचाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, पढ़ाना तो बहुत बात की बात है, अगर पढ़ाने में भी डर लगता है हमें बेटियों को, यहाँ बेटी को बचाना कहाँ की बात है? ये ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हमें नहीं चाहिए, ये बदलाव होगा। और अब की बार मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ के नौजवान साथियों से पूछिए, युवा साथियों से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ का कैंडिडेट कैसा हो, या वो ये चाहते हैं कि हमारा भविष्य कौन सुधारेगा, हमारे भविष्य कौन सी पार्टी सुधारेगी, हमें रोजगार कौन देगा, हमें सिलेंडर 250 का नहीं 1000 का मिल रहा है। इतनी ज़्यादा महंगाई जो कर दी है इस सरकार में, आज से पहले बहुत सारी सरकारें रहीं, लेकिन हमने भी इतना जीवन हो गया, हमें भी पॉलिटिक्स करते हुए, मैं वाल्मीकि समाज से, राहुल चौहान वाल्मीकि नाम है मेरा, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि इतनी महंगाई किसी भी सरकार में हुई हो। आप नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार जिनवाल है जी। मैं जो ये देख रहे हैं हम कि जैसे कि अभी पिछली सरकार में जितने दंगे करके हुए हैं और जो जो बस्तियाँ जहाँ चल गई हैं, मैं इन्हीं की समस्या बताना चाहता हूँ। जैसे कि माननीय हमारे गृह मंत्री जी हरियाणा गए थे, वैसे हम चाहते हैं कि एक बार कई बार अच्छा मुख्यमंत्री जी का दौरा लगा है कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री एक बार छोटा कैला वाल्मीकि नगर भी जाए, वहाँ से 500 लोग 500 क्या नाम अच्छा घर थे जो अच्छे वहाँ से इस तरह के वो कर गए, प्लान कर गए और वो समाजवादी पार्टी में हुआ था। आपका ये कहना है कि वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, दौरा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ 500 घर ऐसे थे वो लोग को सपा सरकार में पलायन करना पड़ा, तो इस समस्या को उठाया नहीं गया अब तक। मेरा अपना जो घर था धरंधर
अच्छे एसोच साहब थे, मैं अपनी वहाँ समस्या को लेकर गया था। समाजवादी पार्टी का एक मोमडन थे जिन्होंने मेरे मकान की कीमत कम से भी कम 5 करोड़ थी, जिसे वो कम 50 लाख रुपए में से कर दिया गया। हमें 50 लाख रुपए अच्छे हमें दिए, और जो उनसे आपका ये कहना है कि आप ठगा हुआ, आपका ये कहना है कि आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके आपका घर 5 करोड़ की कीमत वाला था और वो बहुत औने पौने दाम में दे दिया गया आपको सरकार में हुआ ये। और ये तो ये 500 जो क्या उनके घर थे, तो मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का वहाँ दौरा लगना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आपकी सुध और वहाँ के लोगों की जो पलायन करके उनके सुध अब तक नहीं ली गई है। मगर हम सुरक्षित अब हैं, अब जहाँ भी हैं वैसे हम क्या नाम अच्छे सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के उसमें जितना क्या नाम इंसान को कि वो हो रहा है, जितना महसूस हुआ है कि अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी सरकार बननी चाहिए, दोबारा से फिर ये आनी चाहिए, नहीं तो वही सरकार आएंगी, वही अच्छा गुंडा राज रहेगा है ना। तो ये यहाँ की समस्याएं क्या हैं, जैसे आपने कहा कि लोग पलायन कर गए हैं, उधर सरकार की तरफ नजर नहीं जा रही है वाल्मीकि नगर में, वहाँ सरकार की नजर जानी चाहिए। आईपा इस समस्या को सरकार तक पहुँचाएगा कि वाल्मीकि नगर में सरकार को जाना चाहिए, सरकार को जाना चाहिए और सरकार को जो पलायन कर गए हैं लोग उनकी सुध लेनी चाहिए, उनकी वो लेनी चाहिए सुध। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शक्ति सिंह जीनवाल है। जी, यहाँ की समस्याएं जो अब तक सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, फर्स्टली जो सरकार ने जो एक ही मुद्दा है हमारे पास, हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनका वेतन बहुत ही कम है यहाँ पर। उनसे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है लेकिन उन्हें उतना वेतन नहीं दिया जा रहा। तमाम हमारे प्रयासों के 5 साल उनकी सरकार रही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तमाम उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए कार्य करे, विकास के कार्य भी उन्होंने तमाम करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो हमारे जो कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ पाया 5 साल में। पूरी ताकत के साथ माननीय हमारे नगर विकास मंत्री टंडन साहब, उनके सामने भी हमने अपनी समस्याएँ रखी, माननीय मुख्यमंत्री को भी अपने सफाई कर्मचारी संगठन के माध्यम से कई बार अवगत कराया, उनसे समय भी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ पाया, ना वो स्थायी किए गए। नाम क्या? प्रदीप चौहान वाल्मीकि। आप बताइए। आप बताइए यहाँ की समस्याएं। कोई समस्या नहीं है जी। आपको कैसी सरकार चुननी है? विपक्ष की समस्या है भारतीय जनता पार्टी जी। ये गाजियाबाद विधानसभा है जी। इस विधानसभा में जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम सपोर्टर हैं, पहले आपको बता दें। वो सपोर्टर क्यों है? एक देश को विकास की दिशा में ले जाना, देश को प्रदेश को दंगा मुक्त करना, देश के लोगों को फ्री में, ऐसे लोग गरीब लोग जिनके पास कभी आवास नहीं था, जिनके पास खाने की प्रॉब्लम थी, जिनके पास राशन नहीं था, वो योगी सरकार ने देने का काम किया। और लोगों की प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि योगी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज जो सूची जारी हुई समाजवादी पार्टी की, उस सूची में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कैराना दंगे के दोषी हैं, मुजफ्फरनगर दंगों के दोषी हैं, मेरठ के दंगों के दोषी हैं। तो ये भविष्य को तय करना पड़ेगा, भविष्य जो आने वाला भविष्य है उसे तय करना पड़ेगा, उसे कैसा उत्तर प्रदेश चाहिए, योगी वाला उत्तर प्रदेश चाहिए या दंगा कराने वाली सरकारों वाला समाजवादी पार्टी वाला उत्तर प्रदेश चाहिए। हमारा समाज उत्तर प्रदेश में सदियों से, हम हिंदुत्व के कारण वाल्मीकि समाज का जो आदमी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और ये राष्ट्रवाद पर चुनाव है, हमने दंगे झेले हैं, हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है, इसलिए हमसे बेहतर कौन जानेगा, हमने दंगे झेले हैं ना। तो हमारा मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और गाजियाबाद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। गाजियाबाद की किस्मत देखिए आप, एयरपोर्ट गाजियाबाद में बन रहा है इसी सरकार में। गाजियाबाद की किस्मत देखिए आप, 28,000 करोड़ की लागत से रैपिड रेल गाजियाबाद में बन रही है, मेट्रो गाजियाबाद में बन रही है, पुल बड़े बड़े हाईवे गाजियाबाद में बन रहे। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर कोई बसपा समर्थित समर्थक थे, कोई बीजेपी समर्थक थे पार्टी की तरफ से ही, और उन कुछ लोगों का ये कहना है कि जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए, जातिवाद से किसी की भूख नहीं मिटती, किसी की बेरोजगारी दूर नहीं होती, किसी को नौकरी नहीं मिल जाती। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो सफाई कर्मी हैं उनकी समस्याएं पिछले 5 सालों से ज्यों की त्यों हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, सरकार को ध्यान देने की दरकार है। और उनका कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार ही उन पर ध्यान देगी और वो उनको चुनकर लाएंगे और फिर से कुछ लोगों का ये कहना है कि बदलाव भी होगा। तो अब जनता जनार्दन के हाथ में ही है चाबी कि किसको वो चुनकर लाते हैं गाजियाबाद विधानसभा सीट पर।
हालांकि मौजूदा जो विधानसभा सीट जो गाजियाबाद का है, यहाँ पर जो MLA हैं वो अतुल गर्ग हैं, वो UP सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो अब देखना ये होगा कि जनता जनार्दन किसको सिर माथे पर बिठाती है। फिलहाल इस सवाल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।